हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी स्पेशल समर ड्रिंक व्हिच इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन सी एंड आई होप यू आर गेसिंग राइट वी आर गोइंग टू मेक आम का पन्ना सो लेट्स हैव अ लुक एट द इंग्रेडिएंट्स तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम का पन्ना बनाने के लिए हमने लिए हैं दो रो मैंगोज एंड वन बोल ऑफ मिंट लीवस पुदीने की पत्तियाँ हमने आम को अच्छे से धोकर छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है अब हमने गैस पर रखा है एक पैन जिसमें हमने आम के कटे हुए टुकड़ों को डाल दिया है हम इसमें ऐड कर रहे हैं दो कप पानी अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच काली मिर्च एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिलाएं और चार से पाँच मिनट तक ढक्कन लगाकर अच्छे से पकाएं। हमने इसको पाँच मिनट के बाद चेक किया और दो मिनट के लिए फिर से थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया अब ये आम पककर तैयार हो गया है हम गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम पुदीने की पत्तियों को ग्राइंड कर लेते हैं हमने एक बोल पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धोकर मिक्सर के जार में डाला है और अब हम ऐड कर रहे हैं चार से पांच आइस क्यूब्स एक बॉल पानी अब हम ब्लेंडर को एक से दो बार घुमाकर पत्तियों को थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे पुदीने की पत्तियों का मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है अब हम इसको एक बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं उबला हुआ आम अभी ठंडा हो गया है तो मिक्सी के उसी जार में डालकर हम उसको ग्राइंड कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घिसा हुआ अदरक दो चम्मच भीगा हुआ सौंफ जो हमने दो घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था थ्री फोर्थ कप शुगर एंड वन फोर्थ कप गुड़ इस मिक्सचर को हम एक स्मूथ पेस्ट बनने तक ब्लेंड करेंगे ये एक स्मूथ प्यूरी के जैसे बनकर तैयार हो गया है अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आठ से नौ कप पानी जो लगभग डेढ़ लीटर पानी है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें हम इसमें डालेंगे दो चम्मच काला नमक एक चम्मच काली मिर्च एक चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच इलायची पाउडर नमक आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं और एक चम्मच चाट मसाला इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाएँ और अब हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से आइस क्यूब्स आम का पन्ना बनकर रेडी है आप चाहें तो इसको अभी भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखने के बाद भी सर्व कर सकते हैं आई होप यू आर गोइंग टू मेक दिस डिलीशियस समर ड्रिंक एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल